क्या हुआ है? मैं बर्बाद हो गई अम्मी। हुआ क्या है? कहती थी ना कि मुझे अम्मा से शादी नहीं करनी, नहीं करनी। ऐसी नहीं कहती थी, कुछ ना आ गया ना सामने। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। आपकी और अब्बू की इज्जत के खातिर मैं मान गई थी अम्मा से शादी के लिए। अस्ते अस्ते आ कर दी थी मैंने, क्योंकि मुझे आप सबकी इज्जत भी आ रही थी। अरे पहेलियां क्यों बुझवा रही हो, क्या बात हुई है वो बताओ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मम्मा मेरे साथ ऐसा करेंगे। किया क्या है उसने, कुछ तो बोलो। भाई वो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था, कितना खुश था वो। ये देखे देखिए, आप देखे, आप देखेंगे। ये हम आते भेजिए तुम्हें। भाई मुझे नहीं पता मुझे किसने भेजी, मैंने तो पता भी देखी है। वाह भाई वाह, मैं तुम तो मुझसे भी चार हाथ आगे निकली, सारा खेल ही तुम्हारा रचाया हुआ है। मैं जिंदा नहीं रहती, मैं जिंदा नहीं रहती। मैं जिंदा नहीं रहती, मैं जिंदा नहीं रहती। मैं जिंदा नहीं रहती। नहीं छुटाओ, पानी लेकर आओ, उसके लिए पानी। बैठो जा, बैठो जा, बस बस, संभालो खुद को, संभालो। मैं जीना नहीं चाहती। अब सा संभालो खुद को, संभालो। पानी लाओ दानिया, संभालो खुद को, संभालो खुद को, संभालो। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मा मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। धोखा दे रहा था वो मुझे, और मैं तो समझ ही नहीं सकी। मुझे तो कभी उस पे शक भी नहीं हुआ। चुप हो जाओ अफसा, तुम्हारी परेशानी देखकर मेरा दिल बंद हो जाएगा, फट जाएगा। अफसा संभालो खुद को, पानी पियो। नहीं भाभी, आप मुझे कहीं से जहर ला दें। क्यों कर रही हो ऐसी बातें, दुआ करो जो तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल ना हो। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाँ हम सब अंधे हैं, पागल हैं, दीवाने हैं, सब कुछ देख के भी आंखें फेर लें। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो चुप ही रहो। अम्मी हम क्या होगा, अम्मी क्या होगा, भाभी हम क्या होगा? जो भी होगा तुम्हारे हक में बेहतर ही होगा। तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, तसल्ली रखो। हमाद को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारे अब्बू और भाई बहुत गुस्से में गए वहाँ।